सील होने का वैलिड रीजन ये है कि इन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। प्रॉब्लम जो है इन होटल वालों की भी है। दरअसल क्या 8-10 फीट तो ये खुद बाहर आ जाते हैं, 10 फीट इधर से, 10 वहाँ से 20 बसता है, और फिर ये बाइक लगवा देते हैं। भाई कम से कम एटलीस्ट एक स्टाफ को बाहर रख के आप ट्रैफिक को मैनेज तो करवा सकते हैं आप। दोस्तों मैं इस वक्त शाहीनबाग के 40 फुटा रोड पे हूँ। आज शाहीनबाग के 40 फुटा रोड पे आम दिनों से भीड़ कम है। क्या आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि शाहीनबाग में जो बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट सब हैं उनमें से 4 को आज सील कर दिया गया है। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ सीलिंग की जो कार्रवाई हुई थी, एमसीडी ने जो यहाँ सील करने का सिलसिला शुरू किया था, सबसे पहले किया था आलम बिरयानी वाले को, और आज उन्होंने सील कर दिया है असलम बटर चिकन को। आप जानते हैं असलम बटर चिकन बहुत ही मशहूर ब्रांड है पुरानी दिल्ली का, उनका यहाँ भी रेस्टोरेंट खुल गया था 40 फुटा रोड पर, उसको आज सील कर दिया गया है। उसके बाद जावेद निहारी के बारे में कहा जाता है कि शाहीनबाग के 40 फुटा रोड पर जो सबसे मशहूर रेस्टोरेंट है वो जावेद निहारी है, आज उसको भी सील किया गया है। उसके अलावा आज जिस रेस्टोरेंट को सील किया गया है उसमें कुरैशी कबाब भी है, और आप सब जानते हैं पुरानी दिल्ली से एक ब्रांड आया था हुसैन साहब का, जो बुजुर्ग हैं बूढ़े हैं, उनका फ्राई चिकन बहुत मशहूर है पुरानी दिल्ली में, उन्होंने यहाँ भी शुरू कर दिया था, उनकी भी दुकान को सील कर दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर आज 4 रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। अब सवाल यह है इन रेस्टोरेंट को सील किया क्यों गया है? अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना था तो पहले क्यों नहीं लिया गया? अगर ये कोई खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो पहले भी कर रहे होंगे। इनको जो नोटिस दी गई है उसके हिसाब से इनके पास हेल्थ ट्रेड की तरफ से लाइसेंस नहीं है। एक बात आप सब लोग अच्छी तरह समझ लीजिए, 40 फुटा रोड पे जितनी भी होटल है जो चल रही है चाहे वो सील हो गई है, किसी के पास भी पूरा का पूरा लाइसेंस नहीं है। जितने एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए बहुत सारे लाइसेंस की ज़रूरत होती है, फायर डिपार्टमेंट वालों से चाहिए, हेल्थ वालों से चाहिए, कुछ और लोगों से चाहिए, कुल मिलाकर बहुत सारे लाइसेंस की जरूरत होती है जिसके बाद ही कोई आदमी यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट चला सकता है। मगर 40 फुटा रोड पे या फिर ओखला में कहीं भी ज़्यादातर लोगों के पास, बल्कि सबके पास किसी तरह का कोई भी लाइसेंस नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर आप इन्हें लाइसेंस देते क्यों नहीं है? अगर ये लाइसेंस की अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस देना चाहिए। रहा सवाल इन रेस्टोरेंट वालों की वजह से 40 फुटा रोड पे आखिर नुकसान क्या होता है, तो सबसे मेन नुकसान ये होता है कि जितनी भी होटल है उसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक डिस्टरबेंस बहुत होता है। एक तो जितने भी होटल वाले हैं, कोई एक नहीं कह रहा हूँ मैं, सब के सब जितने भी होटल वाले हैं सबने अपनी अपनी दुकान बाहर निकाल रखी है, जितनी उसकी दुकान है उससे उसने बाहर ले आ रखा है। बाहर लगाने के बाद जो लोग खाने पीने के लिए आते हैं वो बाइक से आते हैं, उसके आगे वो बाइक लगा देते हैं। तो यानी कि जिस रोड का नाम 40 फुटा रोड है वो मुश्किल से सिर्फ 10-15 फुट ही खाली रहता है, लोगों को तकलीफ नहीं हो। इसके लिए एक चीज़ जो मैंने कई बार होटल वालों से कही वो ये कर सकते हैं कि आप लोग सब लोग मिलाकर कुछ पैसे जमा करके 2-4 लोग रख लीजिए और वो 40 फुटा रोड पे ट्रैफिक को कंट्रोल करता रहे। मगर अब तक किसी भी होटल वाले ने इस बात पे अमल नहीं किया है। इन दिनों में आजकल एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि एसकेसी वाले बार बार ऐलान कर रहे हैं कि होटल वालों के सामने बाइक नहीं लगने दे, बाइक के लिए पार्किंग बाहर लोग पार्किंग में लगाएं। ये बात तो अच्छी है, यहाँ पे बाइक नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ज़रा ये बताइए अगर कोई आदमी 40 फुटा रोड पे चाय पीने के लिए आ रहा है तो क्या वो अपनी बाइक बाहर पैसे दे के पार्किंग में लगाएगा फिर चाय पिएगा? उनको ये भी ऐलान करना चाहिए कि जो दुकानदार गलत तरीके से रोड पे दुकान लगा रहे हैं उनको भी नहीं लगाना चाहिए दुकान। अब मैं आपको बता दूँ, एग्जैक्ट मुझे ये नहीं पता है कि एम सिटी वालों ने इन लोगों की दुकानें किसी की शिकायत पर सील की है या खुद ही उन्होंने आके दुकानें सील कर दी है। एक चीज़ बता दूँ, क्या दुकानों को सील करने से पब्लिक को कुछ आसानी हो रही है? तो मेरे हिसाब से पब्लिक को किसी तरह की कोई आसानी नहीं होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, आलम बिरयानी वाले की दुकान सील कर दी गई थी, मगर आलम बिरयानी वाला ठीक अपनी दुकान के सामने बिरयानी बेच रहा है, यानी कि रोड को अभी भी वो घेरे हुआ है, तो उसकी दुकान सील करने से भला क्या फ़ायदा हुआ?
अगर उसकी दुकान आपने सील की तो वो बाहर नहीं बेचता तो बात समझ में आ सकती थी। दूसरी बात यह है कि लाइसेंस के तरीके ज़रा आसान बनाए जाएं ताकि जो दुकानदार लाइसेंस लेना चाहते हैं उनको आसानी हो जाए। जितने भी लाइसेंस है वो लेना आसान नहीं है, चूँकि ये जो शाहीनबाग का इलाका है ये पूरी तरह से 40 फुटा रेजिडेंशियल इलाका है, तो रेजिडेंशियल इलाके में क्या होटल का लाइसेंस मिल सकता भी है या नहीं मिल सकता है। दूसरी बात, जिन दुकानदारों की दुकानें सील हो गई हैं उनको इस बात की आपत्ति है कि जो दुकानें खुली हुई हैं वो क्यों खुली हुई है, उसको आपने सील क्यों नहीं किया। इस बारे में जब मैंने एमसीडी के लोगों से मालूम किया तो उन्होंने ये कहा कि धीरे धीरे सभी के खिलाफ एक्शन होगा। अब ये एक्शन कब तक होगा, कितने दिनों के लिए होगा, ये कहना मुश्किल है। देखिए, कोई भी दुकानदार अगर कारोबार कर रहा है ये अच्छी बात है, हर कोई चाहता है कि इलाके में अच्छी अच्छी होटल खुले। जो लोग खाने के लिए पुरानी दिल्ली जाते थे उन्हें पुरानी दिल्ली न जाना पड़े, लाजपत नगर नहीं जाना पड़े, अच्छी अच्छी होटल खुल जाए। बहुत सारे गैर मुस्लिम भी दूर दूर से शाहीनबाग में खाने के लिए आते हैं। होटल वाले बेशक निहारी बेचे, कोरमा बेचे, बिरयानी बेचे, कुछ भी बेचे, लेकिन आपको इस बात की परमिशन नहीं दी जा सकती कि आप रोड पे इतना जाम लगवा दीजिए कि यहाँ से एम्बुलेंस का गुजरना भी मुश्किल हो जाए। तो होटल वालों को भी चाहिए कि आप जिम्मेदारी से काम करें, तरीके से कारोबार करें और एमसीडी से मिलकर जहाँ जिस तरह आसानी से लाइसेंस मिल सकता है वो ले लें, ताकि ना आपका नुकसान हो न ही आपकी वजह से जो भीड़ लगती है रोड पे तो आम लोगों का किसी तरह का कोई नुकसान हो। आपका कारोबार चलता रहना चाहिए और 40 फुटा रोड पे जो ट्रैफिक है वो भी आसानी से चलते रहना चाहिए। आपकी दुकान चलती रहे ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप कमाई करते रहिए और बाहर जो लोग रोड पर चलते हैं वो परेशान होते रहें, उनको टेंशन होती रहे। एक बात मैं आम लोगों के बारे में आपको कहूँगा कि आप बहुत सारे लोग आते हैं, कोई निहारी खा रहा है, कोई बिरयानी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, वो सेल्फी लेता है, अपने घर भेजता है, लेकिन कभी वो फेसबुक पर ये नहीं लिखता कि भाई दुकानदारों की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने की वजह से ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो रहा है। यानी कि जब आवाम ही बेहिस बनी हुई है तो भला दुकानदार इस बारे में क्या करेगा। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं कभी किसी दुकानदार के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी दुकानें खुलने चाहिए, अच्छे होटल खुलने चाहिए, लेकिन एक सिस्टम के तहत। ऐसा नहीं है कि आप अपना कमाई करते रहिए, दूसरों को परेशानी में डालते रहिए। मुझे ये बताइए, आज 4 अहम दुकानें 40 फुटा की सील हो गई हैं। ऐसी दुकानें सील हुई हैं जहाँ रोज़ाना मुझे लगता है कि हज़ारों लोग आते थे खाने के लिए, तो सील जो हुई है इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कार्रवाई एक तरह से देखें तो सही हुई है और गलत भी हुई है। गलत इसलिए हुई है कि हज़ारों लोग खाना खाने के लिए शाहीनबाग में दिल्ली से दूर दूर के कोनों से आते थे, नोएडा, फरीदाबाद और दिल्ली NCR के लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन सील होने का वैलिड रीज़न ये है कि इन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, इन्होंने GST नंबर नहीं ले रखे हैं, सर्विस टैक्स नंबर नहीं है इनके पास में, और चाइल्ड लेबर रखी हुई है इन लोगों ने, जो कि गलत है। भाई, जब आप फेमस हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आप लोग, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग जो है वैलिड तरीके से काम करें। जो आम लोग शिकायत करते हैं वो कहते हैं कि होटल की वजह से इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, एक दो इन सब होटल वालों ने अपने अपने सामने डिस्टर्ब किया हुआ है, घेर रखा है, रोड पे आ गए ये लोग। उसके बाद जो लोग इनके यहाँ खाने के लिए आते हैं वो बाइक लगा देते हैं सामने, तो इनकी वजह से जो रोड 40 फुट का था वो कहीं 10 फुट खुला हुआ है, कहीं 15 फुट खुला हुआ है। तो आप इतना जाम लगवाते हैं तो आप पे एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, इनमें प्रॉब्लम जो है इन होटल वालों की भी है। दरअसल क्या, 8-10 फीट तो ये खुद बाहर आ जाते हैं, 10 फीट इधर से, 10 वहाँ से 20 बसता है, और फिर ये बाइक लगवा देते हैं। भाई, कम से कम एटलीस्ट एक स्टाफ को बाहर रख के आप ट्रैफिक को मैनेज तो करवा सकते हैं आप। भाई, आपके पास आदमी खाना खाने के लिए बाइक कहाँ खड़ी करेगा, तो अपना एक आदमी लगवा के इधर उधर करके जगह बनवाएं और ट्रैफिक को खुलवा के रखें आप। अच्छा, मैं एक चीज़ ये कह रहा था फारूक भाई, इतने होटल वाले हैं, इतनी कमाई करते हैं ये सब लोग मिल के अगर 2-3 लोग रख लें काम करने वाले, शाम में 5-6 घंटे का ही ज़्यादा काम होता है, बल्कि मान लीजिए 8 घंटे का काम होता है, तो इस दौरान अगर ये लोग ये कर लें कि 2-3 लोग रख लें और वो यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करता रहे, तो क्या ये बेहतर नहीं रहेगा? भाई, इन लोगों से 10 बार कह चुके हैं कि भाई आप लोग ये कर लें, आप तो लोग रखने की बात कर रहे हैं, ये तो कूड़ा ही बाहर फेंक के चले जाते हैं। कि सफाई आएंगे, काउंसलर आएगा, झाड़ू वाला आएगा तो झाड़ू मारेंगे। भाई, कम से कम अपना कूड़ा तो अपने घर लेके जाओ, आप सफाइयाँ तो ढंग से कर लें आप।
और आदमी रखना कोई ज़्यादा है नहीं, 500 रुपये पर हेड भी नहीं आएगा इनको, और ट्रैफिक भी जो है कंट्रोल में रहेगा। तो ये चीज़ तो होनी चाहिए कि जिस तरह से शाहीन बाग का बाजार पॉपुलर हुआ है, पर डे यहाँ पे 8 से 10 हज़ार, 20 और वीकेंड सैटरडे संडे में, और जिस दिन हॉलीडे होता है तो कई लाख लोग खाना खाने के लिए आते हैं। तो कम से कम आप अपने एरिया को साफ सुथरा रखने के लिए 2 की जगह 5 आदमी भी रखने चाहिए इन लोगों को, कि ट्रैफिक भी स्मूथ रहे और आने जाने वालों को परेशानी ना हो।